नमस्कार, मैं पंडित विशाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जेमस्टोन के बारे में कि किस व्यक्ति को कौन सा जेमस्टोन सूट करता है और स्कैनिंग के माध्यम से। हम इसमें पहले ग्रह चेक करेंगे, उसके अनुसार उनके रत्न चेक करेंगे और इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी बॉडी की जो ऑरा है उसमें किस ग्रह की एनर्जी की जरूरत है। जिस ग्रह की एनर्जी की जरूरत होगी, जैसे कि हमारी बॉडी में कई सारे विटामिन चाहिए होते हैं हमें, तो लेकिन स्पेशल कोई विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी कमी खल रही है, तो हम सिर्फ उसी विटामिन को लेंगे। वो B12 भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से रत्न इसमें सूट करते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं सबसे पहले इनके रत्न, ग्रह चेक करेंगे और ग्रहों के अनुसार ही हम आपके रत्न चेक करेंगे कि आपको कौन से स्टोन सूट होते हैं। तो हम चेक करेंगे आपके रत्न और आपके ग्रह। तो सबसे पहले हम सूर्य को चेक करेंगे कि सूर्य की आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है। वाह, क्या बात है, एक प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आपकी फोटो हिल जाती है, क्या चक्कर है समझ नहीं लग रहा। हाँ, अब आपको दोबारा देखते हैं। सूर्य की एनर्जी आपकी बॉडी में फुल है तो इसका हमें स्टोन नहीं डालना, ये ध्यान रखिए। अब स्टोन डालेंगे तो वैसे ही ये मना कर देगा सैंपल। अब इसके बाद हम देखेंगे चंद्रमा। चंद्रमा की एनर्जी आपकी बॉडी में 20% आ रही है। अब हमने ये देखना है कि क्या आपकी बॉडी को चंद्रमा की एनर्जी चाहिए। अगर आपकी बॉडी को चंद्रमा की एनर्जी की जरूरत होगी तो उसी का रत्न वो सिलेक्ट कर देगा। तो हम चंद्रमा के लिए साउथ सी का पर्ल जो होता है उसको चेक करेंगे। ये उल्टा करके मैंने रखा है इसकी तरफ। ये मना कर रहा है तो आपको पर्ल ही डालना है। इसकी एनर्जी कम है तो कम ही चाहिए। मानसिक परेशानियां जो है वो किसी और ग्रह की वजह से हो रही होंगी, वो भी हम चेक करेंगे। तो आपको सूर्य का रत्न नहीं डालना है, आपको चंद्रमा का रत्न नहीं डालना है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे मंगल मास। ये मंगल ग्रह का सैंपल डाला, आपकी फोटो पे चेक करने लगे हैं। मंगल की एनर्जी आपकी बॉडी में 30% आ रही है। अब हम देखेंगे इसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए क्या हमें कॉरल डलता है, रेड मूंगा। तो अगर आप रेड कॉरल डालोगे तो इसकी एनर्जी सेम रहेगी। तो आपको रेड कॉरल कॉरल जो है मूंगा है, ऐसा नहीं है कि नहीं डलता, लेकिन उसको डालने के बाद भी मंगल की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं और कोई ग्रह है जो इसकी एनर्जी को रोक रहा है, इसका मतलब ये होता है। अब हम चेक करेंगे आपका नेक्स्ट ग्रह जो है मरकरी, बुध ग्रह। जो बुध ग्रह है -10 है, तो देखते हैं इसका रत्न आपके लिए सूट होता है कि नहीं। इसको हम बोलते हैं पन्ना, जाम्बियन पन्ना हम चेक करने लगे हैं आपके लिए। देखिए ये मना कर रहा है, तो इस ग्रह की एनर्जी को ठीक करने के लिए आपको रत्न नहीं डालना है, आपको सिर्फ ये ग्रह बैलेंस करना है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा वॉइस मैसेज के थ्रू बाद में। इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करने लगे हैं जुपिटर कि जुपिटर आपकी बॉडी में कितनी रेस दे रहा। तो
जुपिटर आपकी बॉडी में प्लस 5% ही वर्क कर रहा है, एनर्जी सिर्फ आपकी बॉडी में 5% है। तो अब हम चेक करेंगे कि बृहस्पति के लिए आपको येलो पुखराज डलता है या नहीं। तो येलो पुखराज आपके लिए डल रहा है, लेकिन ये सिर्फ बृहस्पति को 20% बढ़ा रहा है। देखिए 25% बढ़ा रहा है। तो हम पुखराज को चेंज करेंगे, हम इसके अंदर लेंगे जिसको हम पीताम्बरी बोलते हैं, कि पुखराज के अंदर ही शनि का कॉम्बिनेशन, उसमें 80% पीला होता है, 5 या 10 या 20% नीला होता है। तो ये भी आपको सूट नहीं कर रहा, ये भी माइनस जा रहा है। इसके बाद हमने देखा था कि जो आपका मंगल ग्रह है उसकी भी एनर्जी कम थी, लेकिन मूंगा उसको सूट नहीं कर रहा था। तो अब हम लेंगे ऑरेंज कुकराज, इसको हम चेक करेंगे। तो ऑरेंज कुकराज से आपके बृहस्पति की एनर्जी बढ़ रही है 100%। अब हम ऑरेंज कुकराज को ही दोबारा हम मंगल से भी चेक कर लेंगे एक बार, कि क्या मंगल के लिए भी ये काम करेगा। तो मंगल के देखो 100% काम कर रहा है, तो आपको एक ही रत्न काम कर रहा है अभी तक। इसके बाद हम आते हैं वीनस पे, शुक्र ग्रह पे। अब पहले हम शुक्र ग्रह की एनर्जी देखेंगे कितनी है आपके लिए। शुक्र आपका आ रहा है 15%। अब इसको बढ़ाने के लिए हम देखेंगे ओपल रतन। तो सेम है, इससे आपकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो आपको ओपल रतन भी नहीं डालना। जिस रतन से हमारी को बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी उस ग्रह की, तो उस रतन को डालने का कोई फायदा नहीं है, पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। अभी हम आपके शनि ग्रह को चेक करेंगे। शनि की एनर्जी आपकी बॉडी में 80% है। अब हम देखते हैं कि इसका रतन जो है नीलम, क्या आपको धारण करना चाहिए। नहीं, अगर आप इसका रतन डालेंगे आपको माइनस हो जाएगा, तो आपको इसका रतन भी नहीं डालना है। इसके बाद हम आगे चेक करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है, क्योंकि वो ही ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, वो है राहु। अब आपकी कुंडली में राहु ना प्लस होना चाहिए ना माइनस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर वह बैलेंस है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये इनबैलेंस है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कुछ आ रही है, उसका काफ़ी हद तक कारण यही होता है, तभी लोगों को ब्लैक मैजिक होता है। तो राहु आपकी कुंडली में 100% एक्टिव है। इसको कम करने के लिए देखते हैं ये ऑयल से फर्क पड़ता है या नहीं। नहीं, ये मना कर रहा है, तो इसका आपको शांति उपाय करवाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में। इसके बाद लास्ट ग्रह रह गया है जो कि है केतु। तो केतु का काम आपकी कुंडली में ओनली 10% है। तो ये मैंने आपके ग्रह चेक किए हैं, आपके जो स्टोन आए हैं सूटेबल आपके लिए, सिर्फ एक ही रतन आपके लिए आया है जो कि है ऑरेंज कुकराज। ऑरेंज कुकराज आपको डालना है, कैसे डालना है, कब डालना है, किस तरीके से डालना है, वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेजूंगा। तो दर्शकों, ये हमने आज ग्रह चेक किए, उनके हमने चेक किए हैं रतन। तो आपने देखा कि व्यक्ति को कई रत्नों के बजाय कई बार एक रत्न का कॉम्बिनेशन ही सूट करता है। इनकी कुंडली में
ऑरेंज बुक रहा इसको किया है मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन। तो आप भी अगर अपने लिए कोई रत्न सजेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप स्कैनिंग के माध्यम से, बहुत अच्छी चीज़ है, आप स्कैन करवा सकते हैं ये। तो ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी डालता रहूँगा, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।